कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारिंदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम उपवास बलो जपास वह यमुना पटरा, बोल बांकी बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। तो यहाँ ठाकुर जी की आरती करने के लिए हम लोग खड़े हैं, लेकिन उससे पहले बिहारी जी के बड़े सुंदर दर्शन करने को भी मिलेंगे। आज बिहारी जी का जो श्रृंगार है वो बड़ा ही अद्भुत है, अनोखा है। मेरे बांकी बिहारी श्री अरदास, मतलब बांकी बिहारी जी ने आज जो है ना, मैं जिसको बोलूंगा कि राधा और कृष्ण दोनों स्वरूप में श्रृंगार कर रखा है, यानी कि जैसे कान्हा जी, जैसे हमारे कन्हैया जी, जैसे हमारे कृष्ण अपने मित्र मंडल के साथ ग्वाले बनकर आनंद लेते थे गौ चराने का, इसी तरीके से आज उन्होंने ग्वाले के रूप में भी श्रृंगार किया है। और ऐसे ही आज बांके बिहारी जी ने सखी रूप में भी दर्शन दे रहे हैं, यानी कि सखा और सखी दोनों बन चुके हैं बांके बिहारी, यानी कि उनके हाथ में छड़ी भी है देखने के लिए मिलेगी, और इसके साथ साथ उन्होंने नथ भी धारण कर रखी है। तो ऐसा श्रृंगार बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा अद्भुत श्रृंगार, ऐसा सुंदर श्रृंगार, ऐसा अनोखा श्रृंगार। अनोखा वर्ड इसलिए है क्योंकि भैया सखा और सखी, गोपी और ग्वाले दोनों बनकर ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, यानी कि राधा रानी की सखियां और हमारे कान्हा जी के, हमारे कन्हैया जी के, हमारे कृष्णा के सखा, यानी कि राधा रानी की गोपियां और कृष्णा के ग्वाले, इन दोनों का मिला जुला रूप बांके बिहारी जी ने धारण किया हुआ है। और ऐसा श्रृंगार बहुत रेयरली और बहुत ही कम दर्शन करने को मिलता है, तो उसको शेयर करते रहो, क्योंकि जब हम सामने की तरफ फोकस करेंगे तो हमें उनकी छड़ी के दर्शन होंगे, जैसे कि लघुटी वो छड़ी अपनी धारण करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, और शरद पूर्णिमा के दिन जब महाराज में ठाकुर जी धारण करते हैं, ऐसे ही इस वक्त भी छड़ी है उनके पास, उसके दर्शन भी आप और हम मिलकर यहाँ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग ऐसा आनंद उठा सकें। भैया बनता है, इतना तो बनता है भैया, शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिहारी जी की उस छड़ी से कृपा मिल सके। और एक और बात, जब आप और हम मिलकर उस छड़ी के दर्शन करेंगे तो आपको उस छड़ी को ऐसे ही नहीं दर्शन करने, आपको प्रणाम भी करना है, अपनी फ़ोन की स्क्रीन को स्पर्श करना है और ये अनुभूति करनी है, ये एहसास करना है कि आप साक्षात ठाकुर जी की उस छड़ी को स्पर्श कर रहे हो, आप साक्षात ठाकुर जी की उस छड़ी को छू रहे हो, आप साक्षात ठाकुर जी की उस छड़ी को अपने हाथों में लेकर उसको अपने माथे से लगा रहे हो, ये स्पर्श करना है। और क्योंकि हमने बताया कि छड़ी भी है और ग्वाले की तरह जो छड़ी है उनके पास में, और इसके साथ साथ जैसे गऊ चराने जा रहे हो, और इसके साथ साथ उनका बड़ा सुंदर चुटीला है, यहाँ से मैं दर्शन कर रहा हूँ तो ठाकुर जी के चुटीले के भी दर्शन हो रहे हैं, और दोनों तरफ उनके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ उनके चुटीला है। ये बिहारी जी की असीम अनुकंपा ऐसी भक्तों पर बनी रहे कि ये आनंद ऐसे लेते रहें। और आप लोग स्टार्स के ज़रिए भी अपनी प्रेजेंस, अपनी हाजिरी, अपनी सेवा दे सकते हैं बांके बिहारी जी के श्री चरणों में, जैसे कि राजकुमार जी ने सेंड किए हैं, तो बिहारी जी की असीम अनुकंपा उन तक बनी रहे। और इसके साथ साथ जो मतलब दर्शन है वो ऐसे हैं कि आज जब दर्शन करेंगे, हम जब दर्शन कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त बिता रहे हैं, वक्त इसलिए बिता रहे हैं क्योंकि ना समझने के लिए भी चाहिए वक्त कि प्रभु तेरा टेढ़ो श्रृंगार कैसो है, यानी कि हम खुद प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु तेरो ये टेढ़ो श्रृंगार कैसो, तेरो टेढ़ो श्रृंगार कैसो है कि तू ग्वालो बनो भाई और गोपी भी बनो भाई, तू सखाऊ बनो भाई, तू सखी भी बनो भाई। तो हमें पहले समझाया जाए कि तू असल में का बनो भाई, तो वो असल में बनो भाई बांके बिहारी, यानी कि राधा श्री हरिदास, राधा और कृष्ण का मिला जुला रूप स्वरूप। मज़ा आ जाता है रात्रि में दुग्ध प्रसाद लेकर, दूध का भोग लेकर, यहाँ ऊपर स्वामी जी का, बांके बिहारी जी के चित्रपट का,
तो रेड कलर की पोशाक है, उसके दोनों तरफ इधर और उधर लेफ्ट और राइट उन्होंने चुटीला धारण किया हुआ है, सुंदर लग रहा है। उनके हाथों में छड़ी है जिसमें वो ग्वाले बने हुए हैं, चुटीले धारण में वो सखी बने हुए हैं यानी कि गोपी बने हुए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग शायद कंफ्यूज भी होते होंगे सखी और गोपी में, तो जो गोपियाँ थीं वो ठाकुर जी को कांत भाव में सेवा करना चाहती थी और करती थी, यानी कि वो बिहारी जी को कांत भाव में मतलब पति रूप में, जो उनको पति रूप में उनकी सेवा करती थी, तो उस सेवा में राधा रानी का जिक्र नहीं है। लेकिन जो सखियां जो थी उनकी, वो राधा रानी की प्रिय सखी थी, तो वो राधा रानी की सेवा करती थी। इसीलिए गोपियां जो थी गोपी भाव में ठाकुर जी की सेवा करती थी, और गोपी भाव में वो कांत भाव में सेवा करती थी यानी कि पति रूप में सेवा करती थी। और आगे बढ़ते हैं इसके साथ, तो कुछ ही पलों में आरती आने वाली है और बिहारी जी की आरती का लाडू किशोरी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बिहारी जी की तरफ से उनको ढेर सारा आशीर्वाद। ऐसे याद आओ, इन्हें भी बड़ा शौक है कि भैया इनके फैमिली वाले काफ़ी वीडियोस देखते हैं, और इनके जो जिस गांव से ये हैं भैया हमारे, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग हमें एडमायर भी करते हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं, और काफ़ी लोग हमें वीडियोस भी देखते हैं, लाइव सेशन देखते हैं, और एडमायर और सपोर्ट जो है वो प्रेम से करते हैं कि भैया जब भी वो मिलते हैं, इनके पास आते हैं और इनसे कहते हैं कि हमें उनसे मिलवा दो, तो मुझे भी बड़ा आनंद आता है उन लोगों से मिलने से, और उन लोगों को भी बड़ा आनंद आता है। तो यही तो हम चाहते हैं कि जब हम बद्रीनाथ जी गए थे तो वहाँ भी हमको नहीं पता था कि इतना प्रेम मिलेगा, कि वहाँ पर भी कम से कम 50-60 लोग बिहारी जी की कृपा से, बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त कहेंगे हम उनको, वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। एक भक्त के हाथ में मेरे बांके बिहारी का कड़ा था, वो वीडियो भी हमने अपलोड की है, और वो बड़े खुश हुए मिलकर। कुछ भक्त हमने वहाँ भी वही भाव में देखे जो यहाँ भाव में सेवा करते, यानी कि वहाँ भी वो सोनी सेवा कर रहे थे जैसे यहाँ पर करते, तो तब भी वो अपने मतलब आकर मिले थे हमसे अपने आप, क्योंकि हम तो नहीं पहचान पाए किसी को, हम तो फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन वो लोगों ने पहचाना तो वो लोग आए, मिले, मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और मेरे बांके बिहारी का जो कड़ा देखकर वो भी बड़ी खुशी हुई कि भाई इस ग्रुप से वो जुड़े हुए हैं, और इस ग्रुप के नाम को, उसके कड़े को, जिस पर राधे राधे भी लिख रहा है और मेरे बांके बिहारी भी लिख रहा है, वो उन्होंने अपने हाथों में धारण किया हुआ है। बस कुछ ही पलों का इंतज़ार है, आरती आने वाली है, और फिर उसके बाद विनय पचासा पाठ भी का आनंद लेंगे। लेकिन बिहारी जी के जब मैं फोकस करूंगा तो आप लोगों को तो देखो बना रहना है, और आप लोगों को और लोगों को भी जोड़ना है, क्योंकि मैं फोकस करने वाला हूं कि जब पर्दा हटेगा आरती के लिए, तब बिहारी जी के हम दर्शन कर सकें उनकी पोशाक के और उनकी छड़ी के, और जहाँ से हमें उनकी छड़ी के दर्शन भी होंगे, उनकी इकलाई के दर्शन भी होंगे जो पोशाक की है, और इसके साथ साथ हमारी जो कार्तिक सेवा है वो भी बड़े अच्छे से चल रही है, कार्तिक दीप प्रज्वलित सेवा, कार्तिक दीप दान सेवा। और अभी हमने दिन डिसाइड नहीं किया है, जिस दिन की हम यमुना जी में सेवा रखेंगे यही दीपदान की, और हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहे हैं, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है हमें कि यमुना जी में हम दीप प्रज्वलित जो हमने लास्ट ईयर किया था, या लास्ट ईयर भी मैं करता था, या उससे पहले भी मैं हमारा एक पेज नहीं था, लेकिन फिर भी हम दीप प्रज्वलित करते थे अपनी तरफ से भी हर साल कार्तिक में, तो उन सबको दीप प्रज्वलित सेवा से कैसे उसको थोड़ा डिफरेंट किया जाए, और उसको अलग भी एक बहुत अच्छे सेंस में, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों मोर मुकट कटकाचनी कर मुरली और माल, ये बानिक मेरो मन बसो सदा बिहारी लाल, पाग बन्यो पटुका बन्यो लाल को वेश, और जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तोरिया रे तिलेश, श्यामा श्याम की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, बरसानी वाली की जय, कुंज बिहारी शेरदास के लाडले की जय, गोविंद श्री आरती की जय, श्री नवनागरे की श्री आरती की जय, श्री नवनागरे की, कंजन नैन बैन रसुमाते
अंजन नैन बैन रस माते श्री रूप सुधा सागर की, श्री आरित की जय, श्री नवनागर की। पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुकु सुकुमा उजागर की, श्री रसिक सखी दम पति आरती सोए, श्री रसिक सखी दम पति आरती सोए, श्री नैन सैन उजागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आप को रे जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। देखिए ठाकुर जी ने छड़ी ले रखी है, ये छड़ी के हम दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी की सुंदर सी पोशाक के दर्शन कर रहे हैं और हम अनुभूति ले रहे हैं कि भैया बांके बिहारी जी तेरो जो आज गोपी ग्वाले को श्रृंगार है, तेरो जो आज सखा सखी को श्रृंगार है, उसके हम अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है और अद्भुत दर्शन है। यानी कि बांके बिहारी जी ने यह चुटीला भी धारण किया, चुटीला यहाँ से दिख नहीं रहा है वरना मैं आपको दिखा सकता था, चुटीला भी धारण है बिहारी जी का और उसकी दोनों तरफ चोटी निकल रही है उनकी, और उसके साथ साथ ठाकुर जी ने सुंदर सा नथ भी धारण किया सुंदर जी। तो यहाँ पर बिहारी जी के दर्शनों का आनंद हम लोग ले रहे हैं और कुंज बिहारी लाल की सदा ही जय रहे ये नारा हम लोग लगा रहे हैं, कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो मेरे बांके बिहारी। मेरे बांके बिहारी जय हो तिहारी। तो आरती ले लीजिए सब लोग जल्दी से, मेरे बांके बिहारी जय हो। देखो जी यहाँ से बिहारी जी के आरती का आनंद भी लीजिए, उनकी छड़ी को भी प्रणाम करके, छड़ी को प्रणाम करके बिहारी जी का आशीर्वाद दीजिए अपने लिए और बोलिए सभी लोग हे बांके बिहारी जी हमारे पर इतनी कृपा करो कि इस कार्तिक मंथ में भी दर्शन के लिए बुलाओ और जीवन भर अपने दर्शन देते रहो और जब जब ना बुलाओ तब तक स्वप्न में आकर दर्शन दो, यानी कि आपके दर्शन होते रहें, आपको हम निहारते रहें। तो छड़ी के दर्शन, पोशाक के दर्शन, ये सभी दर्शन के साथ साथ इनकी अमृत वर्षा के दर्शन और इसके बाद बांके बिहारी विनय पचासा के दर्शन। पहले वाले लाइव में आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने मैसेज देखा था, तो एक बार प्लीज़ ज़रूर बता दीजिए कि वापस से ये आवाज़ साउंड आ रहा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद किसी ने दो तीन बार कॉल्स की थी उसकी वजह से वॉइस जो है, ऑडियो जो है वो ज़ीरो हो गया था। तो वापस से एक बार मुझे बता दीजिए कि वॉइस अब आपको क्लियर आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि हमें वॉइस का ही काम है अभी विनय पचासा जो करना है। यहाँ से दर्शन कर रहे हैं फिर से और दर्शन होने वाले हैं, बंद तो बंद होने से पहले एक बार ठाकुर जी की फिर से निहार लो। जय हो। तो भैया एकादशी सेवा रख रही है हमने, एकादशी आ गई है, एकादशी पर परिक्रमार्थी भक्तों के लिए सेवा रखेंगे क्योंकि परिक्रमा का बहुत महत्व होता है, तो हमें उनके उनकी सेवा करनी ही करनी है। और यहाँ पर चलेंगे बाकी चितवन कटी लचक बाके चरण रसाल और स्वामी श्री हरिदास के, मेरे बांके बिहारी लाल दास के, मेरे बांके बिहारी लाल जय 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 श्री बांके बिहारी। हम आए हैं शरण तिहारी स्वामी श्री हरिदास के प्यारे, भक्त जनन के नित रखवारे। इसको शेयर करते रहे, स्वरूप मधुर मुस्काते बड़े बड़े नैनन परसाते, अटका पाग पीतांबर शोभा सिर सिर पेच देख मन लोभा, तिरछे पाग मोतिलर बाकी शीश टिपारे सुंदर झांकी, मोर पंख की लटक निराली
कानन कोंडल लट गुंगराली नथे गुलाक पतन मन बारती मंद हसन लागे अति प्यारी तिरछी ग्रीव कंठ मणि माला और पे गोंजा आर रसाला कांधे सांझे सुंदर पटका गोटा किरण मोतिन के लटका पहिर अंग रख चीनो कटी का छनी अंग ढक लीनो कमर बंद के लटकन न्यारी चरण छुपाए श्री पाके बिहारी एकलाई पीछे से आई भूनी शोभा दई बड़ाई कादि सेवा पास विराज श्री हरिदास छवि अतिराज घंटे बाजे बजत नागे झांकी पर्दा कोने कोने लागे सोने चांदी ए सिंहासन छत्र लगिन हो तिन की लटकन बाके तिरछे सुगर पुजारी उनकी हूँ छवि लागे प्यारी अतर फुलेल लगाए सिहावे गुलाब जल के सर बरसावे दूध भात नित भोग लगावे छप्पन भोग भोग में आवे मग सिर सुदे पंचमी आई सो बिहार पंचमी पाई आए बिहार पंचमी जब से आनंद उत्सव होवे तब से बसंत पाजे साज बसंती लगे गुलाल पोशाक बसंती होली उत्सव रंग भर सावे उड़त गुलाल गुलालावे फूल डोल बैठे दिय प्यारी कुंज बिहारिन कुंज बिहारी युगल स्वरूप एक मूरत में लखो बिहारी की सूरत में शाम स्वरूप मेरे बाके प्यारी अंग चमक श्री राधा प्यारी डोल कादशी डोल सजावे फूले फूल छवि चमकावे अखे तेज पे चरण दिखावे दूर दूर से प्रेमी आवे घर में भर फूलन के बंगला पटका आर फूलन के जंगला शीतल भोग फुआरे चलते गोटा के पंखा नित झलते हरियाली की जन को झूला बड़ी भीड़ प्रेमी मन फूला जन्म अष्टमी के मंगला आरती सखी मुदित निज तन मन वारती नंद महोत्सव भीड़ अटूट सवा प्रहर कंचन के लूट ललिता छठ उत्सव सुखकारी राधा अष्टमी की चाब सवारी शरद चांदनी मुकुट धरावे मुरली घर के दर्शन पावे दीप दीवारे अटरी दर्शन निरखत सुख पावे प्रेमी मन निर होते उत्सव नित नित जीवन सफल करे प्रेमी चित जो कोई तुम्हें प्रेम
सो द्यावे सोई सुख मन वांछित फल पावे ओम हो दीन अंधु ब्रज नायक मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक मैं आयो तेरे द्वार भिखारी कृपा करो श्री बांके बिहारी दीन दुखी के संकट हरते भक्तन पे अनुकंपा करते मैं हूँ सेवक बालक के अपराध बिसारो मोको जग संकट ने घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो विपदा से प्रभु आप बचाओ कृपा करो वो तू अपनाओ मैं अज्ञान मंद मति भारी दया करो श्री बांके बिहारी विनय पचासा नित पड़े पावे निज आसा पड़े भाव सो नित प्रतिगावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे धन परिवार बड़े व्यापारा सहज होए अब सागर पारा युग के ठाकुर रंग राते दूर दूर से प्रेमी आते दर्शन कर निज हृदय से आते अष्ट सिद्धि नव निधि सुख पाते मेरे सब दुख हरो दयाला दूर करो माया जंजाला दया करो मोकू अपनाओ कृपा बिंदु मन में बरसाओ ऐसो पर मन देखियो निरकु श्याम श्याम प्रेम बिंदु द्रग तेजर श्री वृंदावन विश्राम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बरसाने वाली राधा रानी की जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधेश्याम गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बांके बिहारी बिहारी जी के एक और छोटे से भक्त से मुलाकात कराते हैं जो नीचे देख रहे हैं और ये बिहारी जी के भक्त यहाँ मिलने आए हैं मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार से क्योंकि ये भी मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार का ही एक हिस्सा है और भैया छोटे छोटे बच्चे यहाँ देखो ये है ठाकुर जी के भक्त जो पूरा विनय पचासा पाठ का आनंद ले रहे हैं और पूरे लाइव सेशन का आनंद ले रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शनों का आनंद ले रहे हैं तो फिर से रिपीट करूंगा कार्तिक सेवा चल रही है अभी भी हमारे पास जितने डेज बचे हैं जो लोग बुकिंग कराते हैं कार्तिक दीप महोत्सव में तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं एक जो रिमेनिंग डेज रह गए हैं आप सिर्फ उनके मतलब उनका दीपक जलाइए या फिर जो दिन निकल गए हैं उनके लिए डबल दीपक जलवा रहे तो वो आप लोगों के ऊपर है जैसे भी आप चाहें मैं लाइव सेशन को देना चाहूँगा विराम यहाँ पर और विराम देने से पहले फिर से कहूँगा इसको शेयर करना मत भूलना और दूसरी चीज़ कि भैया एकादशी सेवा रख रहे हैं परिक्रमार्थियों के लिए बिकॉज परिक्रमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्तिक की तो जय बिहारी जी की श्री अरदास श्री कुंज बिहारी श्री